2023 में बहुत सी मूवी रिलीज हुई हैं। कुछ मूवी तो बॉक्स सब्सक्रिप्शन पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं और कुछ मूवीज बॉक्स सब्सक्रिप्शन पर फ्लॉप साबित हुई हैं। और 2023 में कुछ ऐसी भी मूवी रिलीज हुई हैं जिस मूवी का बजट था 500 करोड़ और मूवी बॉक्स सब्सक्रिप्शन पर फ्लॉप साबित हुई हैं। और कुछ मूवी ऐसी भी रिलीज हुई जिनका बजट 40 से 50 करोड़ के दरमियान में था और वो मूवीज बॉक्स सब्सक्रिप्शन पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि 2 जून को सिनेमाघर में विकी कौशल और सारा अली खान की जोड़ी में बनी मूवी जरा हटके जरा बचके मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आज इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 34वां दिन चल रहा है, लेकिन ये मूवी स्टिल अभी तक भी बहुत ही अच्छी बॉक्स सब्सक्रिप्शन कर रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कम बजट में बनने वाली मूवी भी इतनी ज़्यादा बॉक्स सब्सक्रिप्शन कर सकती है। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिला है, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स सब्सक्रिप्शन पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जरा हट के जरा बच के मूवी ने पहले 34 दिनों में इंडिया से और वर्ल्ड वाइड में कितनी बॉक्स सब्सक्रिप्शन कर ली है और इस मूवी का बजट क्या था और ये मूवी बॉक्स सब्सक्रिप्शन पर हिट साबित हुई या फ्लॉप। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। जरा हट के जरा बच के मूवी में विक कौशल और सारा अली खान लीड रोल में देखने को मिले थे। ये एक कपल की मूवी थी जिसमें दिखाया जाता है कपल है जो अपने लिए अलग घर खरीदना चाहता है। उसे अलग घर खरीदने के लिए क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं ये सब इस मूवी में दिखाया जाता है। अगर बात करें इस मूवी की बॉक्स कलेक्शन की तो इस मूवी ने पहले 10 दिनों में इंडिया से 54 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड 66 करोड़ की बॉक्स कलेक्शन कर ली थी। अगर बात करें इस मूवी के पहले 28 दिनों की इंडिया वर्ल्ड बॉक्स कलेक्शन की तो जरा हटके जरा बच के मूवी ने पहले 28 दिनों में इंडिया से 82 करोड़ 31 लाख की नेट कलेक्शन कर ली थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 28 दिनों में वर्ल्ड वाइड 108 करोड़ की बॉक्स कलेक्शन कर ली थी। अगर बात करें इस मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट था 40 करोड़। और अगर बात करें इस मूवी की डे 33 की बॉक्स कलेक्शन की तो इस मूवी ने अपने डे 33 के दिन 39 लाख की बॉक्स कलेक्शन की थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 33 दिनों में इंडिया से 85 करोड़ 52 लाख की नेट कलेक्शन कर ली थी। इस तरह जरा हटके जरा बच के मूवी ने पहले 33 दिनों में वर्ल्ड वाइड 112 करोड़ की बॉक्स कलेक्शन कर ली थी। अगर बात करें आज की तो आज जरा हटके जरा बच के मूवी अपने डे 34 के दिन 37 लाख की बॉक्स कलेक्शन करने वाली है। इस तरह जरा हटके जरा बच के मूवी ने पहले 34 दिनों में इंडिया से 85 करोड़ 81 लाख की नेट कलेक्शन कर ली है। इस तरह जरा हटके जरा बच के मूवी ने पहले 34 दिनों में वर्ल्ड वाइड 112 करोड़ 37 लाख की बॉक्स कलेक्शन कर ली है और ये मूवी बॉक्स कलेक्शन पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस मूवी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएँ।